हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा जो लैपटॉप दिख रहा है सामने, ये मॉडल है डेल लैटिट्यूड 3510 लैपटॉप है। ये ऑटोमेटिक इसका फीचर से ऑन हो जा रहा है, उसके मेरे लिए मैं शट डाउन किया। ये देखिए इसका मॉडल है लैटिट्यूड 3510। तो इसमें हम लोग देखेंगे SSD कौन सी लगी हुई है, कितने GB की लगी हुई है, आप लोग को अपग्रेड क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मैं रैम दिखाऊंगा, आप लोग कौन सी लगा सकते हैं। ये वीडियो आप लोग देख के अगर आप लोग बहुत टाइम हो गया है, अगर आपका ये लैपटॉप जूना हो गया है, तो आप लोग ये वीडियो देख के अपने लैपटॉप के लिए एक परफेक्ट बैटरी मंगा सकते हैं, अपने लैपटॉप के लिए एक परफेक्ट रैम मंगा सकते हैं कि कौन सा इस लैपटॉप में रैम लगेगा, या आप लोग M.2 SSD आपके इस लैपटॉप में लगी हुई है तो कौन सी लगी हुई है, किस तरीके से लगी हुई है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को अपने लैपटॉप के बारे में प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पार्ट के बारे में, अगर पार्ट आप मंगा रहे हैं तो। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, किस तरीके से आपको ओपन करना है। जैसे कि इतने सारे स्क्रू हैं तो सबको ओपन करना है, कि बहुत सारे स्क्रू क्या कवर से ओपन नहीं निकलता, बाहर नहीं निकलता है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुत टाइट है। आप लोग इस तरीके से ओपन कर लेंगे अपना बैक कवर, अपने लैपटॉप का बैक कवर इस तरीके से ओपन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि इस लैपटॉप में 2 रैम स्लॉट है, और जो इसमें रैम लगी हुई है वो DDR4/2666 MHz की रैम लगी हुई है इसमें। और इसमें आप लोग कितने GB तक अपग्रेड कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को बता दे दूँ, मैक्सिमम आप लोग 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं इस लैपटॉप में। देखिए इसमें अभी टोटल जो रैम है वो 8 GB की लगी हुई है एक स्लॉट में, और एक स्लॉट खाली है इसका। अगर आप भी 8 GB के साथ में यूज कर रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि आपका एक स्लॉट खाली है। ये देखिए ये प्रॉब्लम दे रहा है, जैसे कि मैं इसको ऐसा करता हूँ, लैप ओपन करता हूँ, ये ऑन हो जा रहा है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि अगर आपके पास ऐसा लैपटॉप है, आप इस तरीके से परेशान हैं, जैसे कि बहुत लोग चाहते हैं अच्छे के लिए ये फीचर्स है, अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं, जैसे कि आप LED आप ऑन करते हैं आपका लैपटॉप ऑन हो जा रहा है, आप लोग बंद करना चाहते हैं उसको, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग देख के बायोस से उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग को नहीं चाहिए रहेगा, बहुत लोग को ये फीचर्स प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो बंद कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं बायोस से। ये देखिए इस तरीके से इसका बैक कवर ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपका पूरा व्यू दिखेगा। ये देखिए पूरा व्यू दिखा रहा है, आप यहाँ से लैपटॉप को देख के अपने लैपटॉप के लिए एक कोई भी रैम, हार्ड ड्राइव, M.2 SSD, बैटरी, कुछ भी यहाँ से इसका इंफॉर्मेशन देख के आप लोग अपने लैपटॉप के लिए मंगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग को शुरू में दिखाया कि ये लैपटॉप डेल लैटिट्यूड 3510 लैपटॉप है। ये देखिए बैटरी है, बैटरी का कुछ इस तरीके का है बैटरी, और यहाँ पे 2 स्लॉट दिया हुआ है रैम का, और यहाँ पे देखिए ये किंगस्टन का जो 500 GB का SSD लगा हुआ है, जो कि NVMe SSD PCIe है, इससे कि आप लोग मॉडल देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को हार्ड ड्राइव लगाने के लिए अलग से वीडियो है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेंगे क्या क्या यहाँ पे हार्ड ड्राइव अगर लगाना है तो आप लोग को क्या क्या चाहिए हार्ड ड्राइव के साथ में, केसिंग वगैरह, वायर वगैरह चाहिए रहेगा, तो अभी दिखाऊंगा। मेरे पास है, मैं हार्ड ड्राइव एक लैपटॉप में अपग्रेड किया हूँ, जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं इस लैपटॉप में क्रूशियल का रैम है और 8 GB रैम है,
DDR4-2666 का है, यहाँ पे DIM1 DIM2 दिया हुआ है। तो DIM1 DIM2 का ये मत समझ लीजिए, समझिएगा कि डिम है ये, क्योंकि डिम ज़्यादा करके उसमें रहता है, डेस्कटॉप की बड़ी रैम रहती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है 500 GB का SSD है, आपको अगर मंगाना रहेगा तो ये मॉडल वगैरह, अगर आपका प्रॉब्लम दे रहा है, ख़राब हो गया है, तो आप लोग ये मॉडल वगैरह देख के आप लोग अपने लैपटॉप के लिए मंगा सकते हैं कोई भी पार्ट। तो हार्ड ड्राइव भी यहाँ पे भी आप लोग लगा सकते हैं, मैक्सिमम 2 TB लगा सकते हैं। ओके, ये हमारे सर्वर इंजीनियर बैठे हुए हैं भाई, हम लैपटॉप इंजीनियर हैं, इसके लिए हम लैपटॉप ही दिखाते रहते हैं भाई साहब। ओके, तो आप लोग इस तरीके से अपने लैपटॉप में रैम अपग्रेड कर सकते हैं। रैम कितना अपग्रेड कर सकते हैं, मैक्सिमम 32 GB DDR4-2666 MHz की मंगाना है, और 100 DIM होना चाहिए, बाकी कोई भी ब्रांड चलेगा। कोई भी ब्रांड नहीं चलता है, बहुत सारे ब्रांड में प्रॉब्लम देता है। मैं ब्रांड का नाम लेता हूँ तो जैसे किंगस्टन जो रैम आती है हम लोग को बहुत तकलीफ़ देती है भाई। हम लोग एक बार लगा देते हैं तो बार बार हम लोग को वो लोकेशन पे जाना पड़ता है जिधर, जिस लैपटॉप में हम लोग रैम लगाए। सस्ता तो आता है किंगस्टन रैम, लेकिन किंगस्टन से हम लोग का भरोसा उठ गया है। बस सेल्समैन वालों को, जो सेल्स के लोग हैं वो लोग सस्ता लेके वो लोग बेच देते हैं कैसा भी करके, परेशानी हम लोग को उठानी पड़ती है। एक बार लगाने के बाद, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद वो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है, वो भी ब्लू स्क्रीन आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि ब्लू स्क्रीन आ रहा है तो रैम का ही प्रॉब्लम है, तो कभी कभी क्या है विंडोज का भी प्रॉब्लम रहता है। विंडोज नहीं, जैसे कि कोई ड्राइवर वगैरह मिसमैच हो गया, कोई फाइल इधर उधर हो गई, तो भी वो ब्लू स्क्रीन आता है। तो हम लोग क्या करते, ज़्यादा मगजमारी नहीं करते कौन सा फाइल कौन सा ये ड्राइवर मिसमैच हुआ, हम लोग ड्राइवर डायरेक्ट हम लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।